फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तनुजा दीपक कुमार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल तनुजा व्लॉग्स में। आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। आज है करवा चौथ और आज मेरा जो है ये दूसरा व्रत है। मैंने नहा लिया है और अभी मैं अपना थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, मैं आपसे उसके बाद। अभी तो मैं थोड़ा तैयार हो गई हूँ और मैंने साड़ी पहन ली है, और फिर अभी जब हम शाम को पूजा करेंगे तो फिर मैं दूसरा पहनूंगी। आज जो है यहाँ बहुत अच्छी धूप आ रखी है, 3-4 दिन बाद धूप आई है, क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ लगातार बारिश थी और आज यहाँ जो है जल्दी आ गई धूप। नहीं तो यहाँ जाड़ों में ये होता है कि 10, 10:30 से 11 बजे करीब यहाँ धूप आती है और सुबह जो है बहुत ज़्यादा कोहरा लग जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम यहाँ का। ये देखिए, आज यहाँ काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है और धूप आज की इतनी तेज़ है कि धूप में बैठा नहीं जा रहा है। और जब यहाँ ठंडी होती तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ और हमने जो है शाम की पूजा कर ली है। मैं अपनी चाची के वहाँ गई थी पूजा करने के लिए, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी, इसलिए मैंने जो है वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है। और अभी मैं अभी कपड़ों को मैं चेंज नहीं करूँगी, अब सीधे शाम को जब चाँद निकलेगा उसके बाद ही कपड़े चेंज करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ अपना लहंगा जो मैंने आज पहना है। करवा चौथ के लिए ये मेहंदी मेरी ननद है जिया, उसने लगाई है और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। और शाम को पूजा करने के बाद हमने फ़ोटो खींचे, फ़ोटो हमने सभी के साथ खींचे, अपनी सास के साथ भी, अपने हस्बैंड के साथ भी और अपनी चाची अम्मा लोगों के साथ हमने शाम को ही फ़ोटो खींच लिए थे, क्योंकि फिर रात को अंधेरा हो जाता है तो फ़ोटो भी उतनी साफ़ नहीं आ पाती है, इसलिए हमने शाम को 5 या 6 बजे उजाला ही था तो फ़ोटो खींच लिए सारे। तो अभी जो है यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से लाइट नहीं है शाम से ही, क्योंकि यहाँ बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो रखा है, इसलिए मैंने उसके बाद जो है कुछ भी शूट नहीं किया है। और खाना जो है मैंने और मेरी सास ने, हम दोनों ने मिलके बना लिया है जल्दी से, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है कि फिर से, अभी लाइट है फिर अभी थोड़ी देर में क्या पता फिर जा सकती है। और यहाँ तो ऐसा भी होता है कि जब बारिश होती है तो फिर लाइट फिर 3-4 दिन तक फिर आती नहीं है। और आज तो ऐसा भी लग रहा है कि चाँद शायद बहुत देर से आएगा, क्योंकि यहाँ आसमान में बहुत ज़्यादा बादल लगे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि चाँद निकलने में देरी हो। मैं आ गई हूँ चाची के वहाँ और अभी हम, चाँद निकल गया है तो हम उसकी तैयारी करते हैं। अभी जो है चाँद आ चुका है और आज जो है 8:30 बजे ही चाँद आ गया है, तो अब हम लोग जाते हैं छत में और जल्दी से हम लोग पूजा कर लेते हैं। और वो देखो चाँद आ गया। और फिर हमने पूजा की। सबसे कोने में उधर मैं हूँ और जो बीच में है वो मेरी छोटी वाली चाची है, और जो फिर इधर साइड से है वो मेरी आमा है जो कि दिल्ली से आई है। पिछले साल मैं और चाची दो ही लोग थे, हम दोनों ने ही पूजा की थी, और इस साल जो है आमा आ गई थी दिल्ली से घर, तो फिर हम इस साल 3 जने हो गए पूजा करने वाले।
और फिर हमें पानी पिलाकर हमारा व्रत तोड़ा गया और मीठा खिलाया। उसके बाद आज व्रत पूरा हो गया है और आज जल्दी चांद भी आ गया है, तो इसलिए ज़्यादा भूख भी नहीं लगी और पानी की प्यास भी नहीं लगी। और जो ये बीच में बच्चे बोले थे, ये सब हमारे मेरी ननद होगी और देवर हैं, वही थे, फ़ोटो खींच रहे थे। आज बहुत अच्छा लगा घर में व्रत मनाकर। और उसके बाद फिर हमने अपने आमा से आशीर्वाद लिया और आमा के साथ हमने सब ने जोड़े में फ़ोटो खींची। आज हमारे यहाँ चाँद बहुत जल्दी आ गया था, लगभग 8:30 बजे करीब चाँद आ गया था। और पिछले साल तो बहुत देर हो गई थी, 9:30 या 10 बजे आया था। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि चारों तरफ जंगली जंगल है, पेड़ ज़्यादा हैं, तो उससे चाँद जो है छुप जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, आज जल्दी आ गया। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज बारिश का मौसम था, आसमान में बादल भी थे, तो लग रहा था कि चाँद बहुत देर में आएगा, लेकिन आज चाँद जल्दी आ गया। यहाँ बारिश का भी बहुत ज़्यादा मौसम हो रखा था, तो बारिश की भी चिंता हो रही थी कि कहीं बारिश ना हो जाए। और फिर आज लाइट भी ऐसी कर रही थी, आ रही थी, फिर थोड़ी देर में फिर चले जा रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने खाना खा लिया है, के बाद जो है हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, और उसके बाद जो है 1.5 घंटे तक लाइट नहीं आई, तो हमने अंधेरे में ही खाना बनाया और उसी में हमने खाना खाया। तो मैंने बीच का कुछ भी सूट नहीं करा है, अभी जस्ट खाना खाया है, खाना खा लिया था, उसके बाद जो है लाइट आई हमारे यहाँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।